नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 30 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। शराबबंदी को लेकर सभी बिहार पीएचक्यू ने कसी कमर। कृषि उत्पादों के लिए एक बार फिर शुरू होगी एग मार्किंग सुविधा। राष्ट्रीय व्यापार मेला लगेगा इस तारीख से। कृषि कानून वापसी बिल पास। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आज तेजस्वी करेंगे सरकार का घेराव। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार का बहुत बड़ा कन्वेंशन सेंटर बनकर हुआ तैयार। बिहार में एक ऐसा कन्वेंशन सेंटर बनकर तैयार हो गया है जिसमें 2000 से भी अधिक लोग एक साथ बैठक कर सकेंगे। इस मॉडर्न कन्वेंशन सेंटर में एक ऑडिटोरियम यानी सभागार भी बनाया गया है जिसमें 500 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता है। इसके साथ साथ इस कन्वेंशन सेंटर में 100 गेस्ट हाउस का भी निर्माण किया गया है। बोधगया में बन रहे शानदार महाबोधि कन्वेंशन सेंटर यानी महाबोधि सम्मेलन केंद्र का काम लगभग पूरा हो चुका है। 136 करोड़ की लागत से इस शानदार कन्वेंशन सेंटर की संरचना अपने आप में बहुत ही खास है। आज बिहारी बॉक्स स्पेशल में हम बात करेंगे अनुकूल रॉय की। अनुकूल सुधाकर रॉय एक भारतीय क्रिकेटर है जो झारखंड और मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, जिनका जन्म आज ही के दिन हुआ था। दिसंबर 2017 में उन्हें 2018 अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारत की टीम में नामित किया गया था। वो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में संयुक्त रूप से सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। उनका जन्म बिहार राज्य के रोसेरा के पास एक गांव भिरहा में हुआ था। उनका उपनाम समस्तीपुर का रविंद्र जडेजा भी है। उन्होंने 8 फरवरी 2018 को विजय हजारे ट्रॉफी 2017-18 में झारखंड के लिए अपनी लिस्ट ए की शुरुआत की। उन्होंने 1 नवंबर 2018 को 2018-19 रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए प्रथम श्रेणी में पदार्पण किया। वो टूर्नामेंट में झारखंड के लिए 9 मैच में 30 आउट होने के साथ अग्रणी विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने 171 पदों पर निकाली नियुक्ति। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य प्रशासनिक सेवा, राज्य पुलिस सेवा, राज्य वित्त आयोग, जिला आबकारी अधिकारी, श्रम अधिकारी, रोजगार अधिकारी, सहायक प्रत्यक्ष, जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला सेनानी, नगर सेना, सहायक निदेशक आदिवासी और अनुसूचित जाति विकास, अधीक्षक जिला जेल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बाल विकास परियोजना अधिकारी, सीजी अधीनस्थ लेखा सेवाएं, सहायक अधीक्षक और भूमि अभिलेख, नायब तहसीलदार, आबकारी उपनिरीक्षक, रजिस्ट्रार, सहकारी निरीक्षक, सहायक जेल अधीक्षक 171 पदों पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास भारत में किसी भी प्राप्त मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में स्नातक डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 30 दिसंबर 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट psc.cg.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। टीईटी उत्तीर्ण छात्रों ने की नियुक्ति पत्र की मांग। बिहार के विभिन्न जिलों से आए टीईटी उत्तीर्ण छात्रों ने बीते दिन नियुक्ति की मांग को लेकर गर्दनीबाग में धरना दिया, जहां पर उन्होंने सरकार से नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द देने की मांग की है। धरने पर बैठे प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थियों की माने तो सरकार चयन के बाद भी नियुक्ति पत्र नहीं दे रही है। शिक्षा मंत्री ने उम्मीदवारों को भ्रम में डाला हुआ है। यही कारण है कि हम लोगों को धरना करना पड़ रहा है। सरकार की नियत शिक्षक बहाली को लेकर ठीक नहीं है। छात्र का कहना है कि 38,000 से ज्यादा छात्र हैं जिनका चयन हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है। विभाग बार बार सिर्फ आश्वासन दे रही है। कोरोना के नए वेरिएंट पर हाईकोर्ट में सुनवाई। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में कोरोना से संबंधित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोरोना के नए वेरिएंट को काफी गंभीरता से लिया है, जिसके तहत बीते दिन दायर की गई जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने कोरोना के इस नए वेरिएंट से अधिकतम सतर्कता बरतने का अनुरोध किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को राज्य में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं के संबंध में पूरा ब्यौरा अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति की क्या स्थिति है। शराबबंदी को लेकर सभी बिहार पीएचक्यू ने कसी कमर। बिहार में शराबबंदी कानून की फजीहत तोड़ने के बाद बिहार सरकार हरकत में आ गई है। यही कारण है कि बिहार भर में मैराथन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी बीच अब समूचे बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार के सभी पीएचक्यू ने अपनी कमर कस ली है, जिसके तहत पटना सहित सूबे के सभी जिलों में पुलिस कर्मियों को सख्ती से शराबबंदी कानून का पालन करवाने का आदेश दिया गया है। ऐसे में राजधानी समेत सभी जिलों में पुलिस लगातार अभियान चलाकर शराब माफियाओं और पीने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि राज्य सरकार और बिहार पुलिस मुख्यालय का मानना है कि शराबबंदी कानून को राजधानी पटना में अगर सख्ती से पालन करवाया जाएगा तो उसका असर कहीं ना कहीं सूबे के जिलों में भी देखने को मिलेगा। सूबे में दो तरह
की हवा बहने से दिखा मौसम में बदलाव। सूबे में इन दिनों दो तरफा हवा बह रही है, जिसका प्रभाव मौसम में बदलाव का कारण बन रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिणी बिहार में उत्तर पश्चिम हवाएं और उत्तरी बिहार में दक्षिण पूर्वी हवाएं चल रही है। इस दो तरफे हवा के कारण ही तापमान पर प्रभाव पड़ रहा है। इसके कारण अगले दो दिनों तक प्रदेश का मौसम शुष्क बने रहने के साथ ही आर्द्रता में बढ़ोतरी होने का अनुमान है। वहीं दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में मध्यम तो पूर्वी भागों में हल्के दर्जे का कोहरा छाए रहने के भी आसार है। न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट हो सकती है। इस दौरान उत्तर बिहार में न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, तो दक्षिण में 12 से 14 डिग्री रहने का अनुमान जताया गया है। पिछड़े अति पिछड़े वर्ग को क्रीमिलेयर रहित सर्टिफिकेट जारी करने में इस आदेश का करे पालन। बिहार सरकार ने क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर एक बार फिर से अपना पक्ष साफ कर दिया है, जिसके तहत सरकार ने इसको लेकर सभी विभागों के प्रधान सचिव, विभागाध्यक्ष, प्रमंडलीय आयुक्त, डीएम, बिहार लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद को पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र में कहा गया है कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र और क्रीमिलेयर रहित प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में 2012 के आदेश का पालन किसी भी हाल में किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग के संयुक्त सचिव जयशंकर प्रसाद ने पत्र में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार की सेवाओं में आरक्षण की सुविधाओं के लिए केंद्र के दिशा निर्देश का अनुपालन करने का निर्णय लिया है। पटना की सड़कों पर इंजीनियरों ने किया विरोध प्रदर्शन। बीते दिन बिहार लोक सेवा आयोग से उत्तीर्ण सहायक अभियंता और सैनिक पद पर बहाली की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान ये सभी अभ्यर्थी पटना के हड़ताली मोड़ के पास प्रदर्शन करते देखे गए। विरोध में उतरे अभ्यर्थियों का कहना था कि इतना दिन बीत गया है कि अब तक हमारी नियुक्ति का रास्ता साफ नहीं हो सका है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ही इंजीनियर है, वो खुद इस मामले का संज्ञान ले। 2016 में वैकेंसी आई, लेकिन हम अब तक आंदोलन कर रहे हैं। इन लोगों का कहना था कि जल्द से जल्द उन लोगों को नियुक्ति में लिया जाए या रिटायरमेंट के समय उन्हें नौकरी दी जाएगी। कृषि उत्पादों के लिए एक बार फिर शुरू होगी एग मार्किंग सुविधा। बिहार के कृषि उत्पादों को एग मार्क करवाने के लिए अब तक बिहार के सभी किसानों को कोलकाता जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार सरकार की यह व्यवस्था फिर से बिहार में शुरू होने जा रही है। इसके लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में राज्य सरकार से जरूरी जमीन की व्यवस्था करने का आश्वासन मांगा था, जिसको कि अब बिहार सरकार ने दे दिया है, जिसके बाद ही अब जल्द ही बिहार के अंदर एक प्रयोगशाला का निर्माण होने वाला है। इसके बन जाने से राज्य के खाद्य उत्पाद के लिए एग मार्क प्रमाणीकरण की सुविधा राज्य के अंदर ही उपलब्ध हो सकेगी और निर्यात की परेशानी भी दूर होगी। राष्ट्रीय व्यापार मेला लगेगा इस तारीख से। राष्ट्रीय व्यापार मेला को लेकर बिहार में तैयारियां तेज हो गई है, जो कि 7 दिसंबर को पटना के मिलर स्कूल में लगने वाला है। इस मेले की खास बात यह होने वाली है कि मेले में देश के विभिन्न राज्यों और विदेशों के उद्यमियों के लगभग 200 स्टॉल लगाए जाएंगे। मिली जानकारी के अनुसार मेले में गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कश्मीर, सिक्किम सहित विभिन्न राज्यों के व्यापारी शामिल होंगे। मेले में प्रवेश के लिए एंट्री टिकट लगाया जा रहा है। व्यापार मेला 21 दिसंबर तक रेशम बुनकर खादी ग्रामोद्योग संघ, नाइस इंडिया एग्जीबिशन एंड इवेंट मैनेजमेंट और असंगठित व्यापार विकास परिसंघ के संयुक्त बैनर तले आयोजित होगा। बिहार बुनकर कल्याण समिति के सदस्य अलीम अंसारी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए इस बात की जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया है कि मेले में मनोरंजक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। भू अर्जन पदाधिकारी निकला करोड़पति। इन दिनों बिहार सरकार के काम में लगे सरकारी अधिकारियों के लगातार करोड़पति बनने की जानकारी निकल करके सामने आई है। इसी कड़ी में बीते दिन रोहतास के भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता की संपत्ति का हिसाब किताब लगाना शुरू कर दिया गया है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की छापेमारी के बाद जमीन जायदाद के मिले कागजात और मकान की भव्यता देख जांच से जुड़े अधिकारी तक हैरान है। कागज पर जमीन जायदाद आदि संपत्तियों की कीमत भले ही कम दिख रही हो, पर इसका बाजार मूल्य करोड़ों में आंका जा रहा है। अधिकारियों का अनुमान है कि भू अर्जन पदाधिकारी की संपत्ति का मूल्य लगभग 50 करोड़ तक पहुंच सकता है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने भू अर्जन पदाधिकारी राजेश कुमार गुप्ता की जिन संपत्तियों का पता लगाया है, उसमें 31 अंचल संपत्तियां शामिल है। इसके अलावा कई फ्लैट की खरीदारी को लेकर रकम का भुगतान किए जाने से संबंधित दस्तावेज भी हाथ लगे हैं। विधान परिषद में 4 अध्यासीन सदस्यों की हुई नियुक्ति। बीते दिन बिहार विधान परिषद में 4 अध्यासीन सदस्यों का मनोनयन करने का काम किया गया, जो कि बिहार विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने किया। अवधेश नारायण सिंह की माने तो बिहार विधान परिषद में 4 अध्यासीन सदस्यों की नियुक्ति सदन को सुचारू रूप से चलाने की मंशा से की गई है, जिसमें केदार पांडे, रामचंद्र पूर्वे, संजीव कुमार सिंह और राजेंद्र गुप्ता को उन्होंने अध्यासीन सदस्य के रूप में मनोनीत किया है। जिसके बाद से ही अब ये सदस्य परिषद में सभापति की अनुपस्थिति में कार्यवाही का संचालन करेंगे और सदन सुचारू रूप से चले इस बात को सुनिश्चित करेंगे। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। बिहार के प्रमुख आकर्षण में शामिल मुजफ्फरपुर बागमती और लखनदेई नदियों के निकट बसा है। लीची के लिए प्रसिद्ध मुजफ्फरपुर पटना से लगभग 71 किलोमीटर दूर है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में बाबा गरीबनाथ मंदिर, जुब्बा सहानी पार्क, रामचंद्र शाही संग्रहालय, खुदीराम बोस मेमोरियल, चतुर्भुज स्थान मंदिर, श्रीराम मंदिर, रामन देवी मंदिर शामिल है।
लॉकडाउन के बाद पहली बार बोधगया आ रहे हैं विदेशी मेहमान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद पटरी पर लौटी स्थिति के बीच पहली बार हाई लेवल विदेशी शिष्टमंडल बोधगया आ रहे हैं। बीते 2 साल से विदेशी शिष्टमंडलों का आना कोरोना की वजह से बंद हो गया था। यहां तक पर्यटक और श्रद्धालु भी बोधगया नहीं आ रहे थे। महाबोधि मंदिर भी लंबे समय के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद ही अब मंगोलिया के संसद और अध्यक्ष 2 दिसंबर को बोधगया आ रहे हैं। उनके साथ 23 सदस्य का एक शिष्टमंडल भी मौजूद होगा। शिष्टमंडल में मंगोलिया इंडिया पार्लियामेंट्री ग्रुप के चेयरपर्सन और डिप्टी चेयरपर्सन, मंगोलिया संसद के सचिवालय के ऑफिशियल्स, सुरक्षा और सर्विस ऑफिशियल्स और भारत में मंगोलिया के राजदूत शामिल होंगे। खास बात यह भी है कि मंगोलिया के सांसद के अध्यक्ष के सम्मान में बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष द्वारा 2 दिसंबर को बोधगया में ही डिनर करना है। तक के लिए सदन हुआ स्थगित, हो सकती है हंगामेदार शुरुआत। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है। बीते दिन बिहार विधानसभा के इतिहास में पहली बार राष्ट्रगान के साथ सदन की शुरुआत की गई। वहीं कुछ समय बाद ही इसे मंगलवार यानी कि आज 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद आज का सदन हंगामेदार रहने की संभावना भी जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष बिहार सरकार को घेरने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज सरकार से कई सवाल पूछने के संकेत पहले ही दे दिए थे। वहीं सरकार भी आज विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करती नजर आ सकती है। वापसी बिल पास। बीते दिन संसद के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। पहले ही दिन अपने वादे अनुसार लोकसभा में कृषि कानून वापसी का बिल पेश किया गया। यह बिल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पेश किया, जो कि पास हो गया। हालांकि इसकी चर्चा के दौरान विपक्ष ने भी खूब हंगामा किया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून की वापसी का ऐलान किया था। इसके बाद केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस पर मंजूरी दी गई थी, जिसके बाद बीते दिन लोकसभा में कृषि कानून वापसी बिल पास हो गया है। वहीं कृषि कानून की वापसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने संसद परिसर में धरना भी दिया। इसमें कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल समेत पार्टी नेता शामिल हुए थे। यूपी चुनाव में सपा को राजद का साथ। बिहार में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच बिहार में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर भी तैयारियां तेज हो गई हैं, जिसके तहत यूपी में तो राजनीतिक पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का दम तो लगा ही रही है, अब बिहार में भी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर हलचल बढ़ गई है। वहीं बीते दिन तेजस्वी के आगामी चुनाव में सपा का समर्थन करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की आंच यहां और ज्यादा सुलगने लगी है। जहां सत्तारूढ़ भाजपा दोबारा से यूपी पर कब्जा जमाना चाह रही है, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी समेत सभी विपक्षी दलों ने भाजपा को सत्ता से हटाने की रणनीति के साथ काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सोमवार को मीडिया कर्मियों से कहा कि उनकी पार्टी ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया था, क्योंकि वहां भाजपा को वही हरा सकती है। इस तरह उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, क्योंकि वहां भाजपा को हराने में वही सक्षम है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर आज तेजस्वी करेंगे सरकार का घेराव। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गई है, जिसके बाद से ही विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में नजर आ रहा है। सत्र की शुरुआत बीते दिन भी हंगामेदार ही रही, क्योंकि सदन शुरू होने से पहले ही विपक्षी दलों ने बिहार विधानसभा के बाहर खूब हंगामा किया, जिसके बाद राष्ट्रगान के साथ ही सदन को स्थगित कर दिया गया और अब अगली बैठक आज यानी कि मंगलवार को 11 बजे से होगी, जिसका हंगामेदार होना तय माना जा रहा है, क्योंकि आज होने वाली बैठक को लेकर विपक्ष तैयार है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी आज इसी बात के संकेत दिए हैं। सदन से बाहर आए तेजस्वी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि बिहार के सीएम कहते हैं कि उन्हें नीति आयोग की रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। ये बेहद शर्मनाक है कि बिहार के सीएम नीति आयोग की रिपोर्ट को पढ़े ही नहीं है। अब जो रिपोर्ट कार्ड नहीं देखेगा, बाकी का सिलेबस कैसे पढ़ेगा। एनडीए की बैठक में गुस्सा हुए सीएम नीतीश। बीते दिन विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के पहले दिन बैठक के बाद स्थगित होने के बाद एनडीए की बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में एनडीए के तमाम नेता हिस्सा बनने पहुंचे थे। हालांकि इन सब के बीच बैठक का हिस्सा बनने पहुंची एक महिला विधायक की शिकायत पर मुख्यमंत्री बिफरे नजर आए। इसके बाद तो उन्होंने विधायक की जमकर क्लास भी लगा दी। आरक्षित सीट से जीती एक महिला विधायक ने कहा कि हमारे क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति की संख्या काफी है, वो लोग महुआ के पेशे से जुड़े हुए हैं, उनकी परंपरागत पेशा यही रही है। शराबबंदी लागू होने से उन लोगों को भारी परेशानी हो रही है। यह सुनते ही सीएम नीतीश गुस्से में लाल हो गए। फिर क्या था, बीच में ही टोकते हुए मुख्यमंत्री ने उस महिला विधायक को जमकर खुहरी खोटी सुनाई और खूब खबर ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सब बेकार की बातें हैं। वेरिएंट को लेकर बिहार के स्कूलों में अलर्ट। बिहार में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही थी, जिससे बिहारवासी इस बात को लेकर राहत में थे कि शायद हमने कोरोना की इस जंग को जीत लिया है। लेकिन कोरोना ने लोगों को ज्यादा दिनों तक खुश रहने का मौका नहीं दिया है। दक्षिण अफ्रीका से निकले इस नए म्यूटेंट ने चिंता बढ़ा दी है। यही कारण है कि दूसरी लहर का दंश झेल चुका बिहार और देश अभी से ही तैयारियों में जुट गया है। बिहार के भी स्कूलों में अलर्ट नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जारी कर दिया गया है।
हालांकि यह कोई आधिकारिक अलर्ट नहीं है बल्कि प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक में एहतियातन कदम उठाया गया है, जिसके तहत बिहार के अब सभी स्कूलों में स्टूडेंट्स के मास्क और पानी के बोतल के साथ साथ लंच बॉक्स पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है। पानी की बोतल के साथ लंच बॉक्स शेयर नहीं करने देने का जिक्र है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। दिल्ली के सम्राट आलमगिरी द्वितीय की 1759 में उनके मंत्री ने उनकी जान ले ली थी। प्रियंका चोपड़ा 2000 में मिस वर्ल्ड राज्य के दिन चुनी गई थी। गुड़ियों का संग्रहालय दिल्ली की स्थापना 1965 में मशहूर कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई ने की थी। मुंबई में हुए 26/11 के बाद सरकार ने 2008 में संघीय जांच एजेंसी के गठन की घोषणा की थी। सरकार ने SAT रिजवी वेतन समिति का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया था। इसके साथ ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस का जन्म 1858 में आज के दिन हुआ था। प्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद्र भारतीय वैज्ञानिक और स्वदेशी आंदोलन प्रणेता राजीव दीक्षित का निधन 2010 में आज के दिन हुआ था। भारत के 12वें प्रधानमंत्री इंद्र कुमार गुजराल का निधन 2012 में आज के दिन हुआ था। महागठबंधन है नहीं था। बिहार विधानसभा उपचुनाव में राजद और कांग्रेस के बीच शुरू खींचतान अब तक दिखाई दे रही है, जहां एक तरफ ये उम्मीद जताई जा रही थी कि परिणाम आने के बाद अब दोनों पार्टी के बीच में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। भले ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आगामी चुनाव में महागठबंधन के साथ लड़ने की बात कही हो, लेकिन कांग्रेस नेता अजीत शर्मा के विचार इससे ठीक उलट है। हाल ही में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि बिहार में महागठबंधन है नहीं था, गठबंधन उपचुनाव के समय ही टूट गया। वहीं बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सरकार का घेराव करने की मंशा रखते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में अपराध और भ्रष्टाचार बढ़े हैं, इस मुद्दे को कांग्रेस सदन में जरूर उठाएगी और सरकार को घेरने का काम जरूर करेगी। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 29 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,130 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,390 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 62,700 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.87 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। दो कमाल के सेफ्टी फीचर्स। व्हाट्सएप अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित बनाने की हर संभव कोशिश कर रही है। अब व्हाट्सएप ने भारत में दो नए सेफ्टी फीचर पेश किए हैं, फ्लैश कॉल और मैसेज लेवल रिपोर्टिंग। व्हाट्सएप का कहना है कि ये दोनों फीचर यूजर के एक्सपीरियंस को सिक्योर बनाए रखने के लिए पेश किए गए हैं। एंड टू एंड इंक्रिप्शन के अलावा व्हाट्सएप पर कई सेफ्टी फीचर्स पहले से मौजूद है, जिसमें कॉन्टैक्ट्स को ब्लॉक करना, किसके साथ क्या शेयर करना है इस पर कंट्रोल करना, डिसअपीयरिंग मैसेज और टच आईडी या फेस आईडी के साथ ऐप को लॉक करना शामिल है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है गौतम कुमार, प्रहलाद कुमार, राजीव कुमार, माही आनंद, रामनाथ कुमार, मनीष मोहरा, विकास कुमार सिंह, शंकर मुखिया, सीमा कुमारी, अंजू कुमारी, आतिक खान, भारत प्रसाद, नीरज कुमार, रेणु कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब दें, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार COVID-19 की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए क्या आपने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।